दोस्तों, किसी भी प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है आने वाले बच्चों पर, जिन्हें स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। और ये तभी हो पाता है जब उनकी माता को उचित पोषण और स्वस्थ होती हो। इसलिए हमारे प्रदेश में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने महिला और बाल विकास के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों में कुपोषण और दुर्बलता जैसे घटनाओं को कम करना। इसके अंतर्गत राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ये 6,000 आपको 5 किस्तों में दिए जाते हैं, जिसमें पहली किस्त 1,000 रुपए की गर्भावस्था जांच और पंजीकरण होने पर, दूसरी किस्त 1,000 रुपए की कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें होने पर, तीसरी किस्त 1,000 रुपए की डिलीवरी के समय यानी संस्थागत प्रसव होने पर, चौथी किस्त 2,000 रुपए की बच्चे के जन्म से 105 दिन तक सभी टीके लगने और जन्म पंजीकरण होने पर, पांचवी और आखिरी 1,000 रुपए की किस्त है बच्चे के जन्म से 3 माह भीतर परिवार नियोजन साधन अपनाने पर दी जाती है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी तथा आवेदन व पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। तो ये सब था इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में, जिसमें महिलाओं और बच्चों को उचित और पौष्टिक आहार मिलेगा, साथ ही परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे जनसंख्या नियंत्रण भी होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय राजस्थान।